हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज हम मैं टॉपिक ले रही हूँ 7th क्लास का मैथ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 6th क्लास से 7th क्लास में गए होंगे, तो आई होप उन्हें हेल्प मिलेगी। ओके, फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स में अगर हम बात करें तो इसमें प्रॉपर्टीज भी, एक ये वाला प्रॉपर्टीज आ जाता है। जैसे इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर हम ये जान लेंगे तो ऐड कैसे होता है, अगर माइनस प्लस हो तो वो भी अच्छे से हम समझ पाएंगे कि माइनस प्लस हो तो उसके क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं, जिसको हम फॉलो करके सही आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं ये वाला। जैसे अगर ए प्लस बी है, ठीक है, तो ए को हम मान लिया माइनस फोर है, यहाँ पर ए माइनस फोर है और प्लस तो प्लस हो गया और बी हमारा है थ्री। ठीक है, तो यहाँ हो गया ए प्लस बी। अब सेम ऐसा ही बी प्लस ए आना है। ठीक है, तो बी प्लस ए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया ए प्लस बी। बी प्लस ए क्या हो जाएगा, बी प्लस ए हो जाएगा, बी हो गया थ्री, क्योंकि बी थ्री है यहाँ पर। तो थ्री प्लस माइनस फोर, ये हो गया बी प्लस ए। ठीक है, यहाँ में a इज इक्वल टू माइनस फोर और b इज इक्वल टू थ्री, ये है। ठीक है, देखिए इसके रूल्स होते हैं, माइनस प्लस या प्लस माइनस जो हम बोले वो माइनस होता है। तो प्लस माइनस भी माइनस होता है और माइनस प्लस भी माइनस होता है। जैसे अगर हम ये बात करें, प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, या फिर माइनस और प्लस भी हमारा माइनस ही होता है। यहाँ पर देखते हैं माइनस फोर और प्लस थ्री क्या होता है, यहाँ मैंने ब्रैकेट हटा दिया है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम माइनस कर लेंगे, यानी कि फोर में से थ्री गया तो वन। अब यहाँ रूल्स क्या हैं कि देखिए, थ्री और फोर में बड़ा कौन है, तो फोर बड़ा है। थ्री और फोर में बड़ा कौन है, तो फोर बड़ा है, और फोर के आगे है माइनस, इसीलिए क्या हुआ यहाँ पर, माइनस वन हुआ। और सेम यही कंडीशन हम बी प्लस ए में भी देखेंगे। यहाँ थ्री है, प्लस माइनस फोर था, तो प्लस माइनस माइनस क्या, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो थ्री माइनस फोर हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस लिख दिया, ब्रैकेट तोड़ दिया, माइनस फोर। तो सेम यहाँ पर भी वही हो जाएगा, फोर में से थ्री गया वन, लेकिन फोर है बड़ा, देखिए ये वन है, सॉरी। ठीक है, तो फोर बड़ा है और इसके आगे माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस वन हो गया। फिर ए प्लस बी हमारा माइनस वन आया और बी प्लस ए भी माइनस वन ही आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब माइनस फोर थ्री इज इक्वल टू थ्री, थ्री प्लस माइनस फोर, यानी ए प्लस, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ जिससे आपको अच्छे से पता चले कि क्या इसके रूल्स होते हैं। रूल्स हो गए, जैसे प्लस माइनस हो गया माइनस, यानी 15 हो गया माइनस 8। ठीक है, ब्रैकेट मैंने हटा दिया, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लिख दिया ब्रैकेट हटाकर। तो ये तो जनरली जो हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं वो आ गया। ठीक है, ये था एडिशन, अब ये हो गया सब्सट्रैक्ट। 15 में से 8 हम घटा देंगे तो हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पर मैंने माइनस नहीं दिया, यहाँ पर मैंने माइनस नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, इसलिए कि यहाँ पर 8 और 15 में 15 ज़्यादा है और उसके आगे प्लस है। देखिए यहाँ पर प्लस लिखा तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर प्लस ना भी लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि वो प्लस छुपा हुआ है, इसका मतलब है कि प्लस है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर 7 है और 7 है, तो 7 के आगे हम माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि 15 ज़्यादा है। ठीक है, अब 15 में से 8 हम घटा रहे हैं, तो 15 ज़्यादा है और उसके आगे प्लस है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस 7 ही रहेगा। ओके, प्लस 7 लिखे या फिर प्लस ना लिखे, बात एक ही हुआ, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, उसी तरह अगर यहाँ माइनस 32 है, ओके, और प्लस है हमारा 48, इसे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, तो माइनस 32 प्लस 48। अब यहाँ पर आप कहोगे कि ये अब हम क्या करें, तो इसका मतलब यहाँ भी वही चीज़ हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं,
देखिए दोनों में पहले देखेंगे कौन ज्यादा है, तो 48 ज्यादा है, ठीक है, तो 48 माइनस 32 ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ, देखिए प्लस 48, अब a प्लस बी या फिर b प्लस a, बात तो एक ही हुआ, तो हम 48 को इधर लिख सकते हैं प्लस माइनस 32, इसे इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट है इसलिए यहाँ पर भी मैंने ब्रैकेट नहीं हटाया और प्लस का साइन दे दिया, और यहाँ पर मैंने क्या किया तोड़ दिया, प्लस माइनस माइनस होता तो यहाँ पर हो गया माइनस, ठीक है। अगर मैं ब्रैकेट हटा देती तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने ब्रैकेट यहाँ पर था तो ब्रैकेट रख दिया जो का त्यों, और यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया। तो इस तरह से मैंने प्लस माइनस माइनस, अब हम जैसे घटाते हैं उसी तरह से घटा लेंगे, तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, आंसर। अब ये तो था माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस का, अगर हम इसी थर्ड क्वेश्चन लेते हैं माइनस 10 ओके अब प्लस माइनस 9, इसे मैंने स्मॉल ब्रैकेट में रख दिया। अब देखिए ये इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, तो रूल्स कहते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है जोड़ने पर, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया माइनस 10 रख दिया और प्लस माइनस माइनस 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया और ये 9 उतर गया, ओके। अब देखिए ये माइनस माइनस, अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हुआ प्लस होता है, तो इसे हम जोड़ेंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए क्या होगा ऐड होगा ये, तो 19 हो गया, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, प्लस का साइन नहीं होगा क्योंकि दोनों में साइन माइनस का ही है। पहले हम क्या करते थे कि पहले देखते थे ज्यादा अंक कौन सा है और उसमें हम देखते थे कौन सा साइन है, अगर माइनस का रहता था तो माइनस लिखते थे, प्लस का रहता तो प्लस लिखते थे, लेकिन यहाँ पर है कि दोनों में माइनस का ही साइन है इसलिए माइनस माइनस प्लस ऐड हो गया और साइन हो गया माइनस का, तो ये आंसर हो गया। एक चीज और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, जैसे ए माइनस बी है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं a प्लस माइनस b इस तरह से, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस माइनस b ब्रैकेट में, और अगर a माइनस माइनस b हुआ तो माइनस माइनस क्या हुआ मैंने बताया पहले ही प्लस हुआ, तो a प्लस b हो गया। अब उसी तरह से कहा जाए कि सब्सट्रैक्ट 9 फ्रॉम 5, ओके, ये सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, यहाँ मैंने सब्सट्रैक्ट लिखा नहीं है, सब्सट्रैक्ट 9 फ्रॉम 5, तो हम कैसे लिखेंगे इसे, ऐसे लिखेंगे 5 माइनस 9, ऐसे लिखेंगे हम, यहाँ है क्या प्लस छुपा हुआ है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 5 में से तो हम 9 नहीं घटाएंगे, हम 9 में से ही 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, लेकिन अगेन फिर क्या हो गया दोनों में से अंक कौन सा बड़ा है नंबर कौन सा बड़ा है, तो 9 बड़ा है और उसके आगे है माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस 4 हो गया, ठीक है। ये अब सेकंड लेते हैं, देखिए माइनस 8 फ्रॉम 5, ठीक है, तो ये इसका मतलब 5 माइनस माइनस 8 इस तरह से हो जाएगा, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है 5 माइनस माइनस 8 है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर हो गया 5 प्लस 8 ओके इज इक्वल टू 13। यहाँ पर देखिए चेंज हो गया, हमने सब्सट्रैक्ट ही किया लेकिन यहाँ पर माइनस 8 था इसलिए यहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 5 प्लस 8 और यहाँ हमने ऐड कर दिया जोड़ दिया तो 13 हो गया। अब अगर हम दो नंबर ले, मान लिए मैंने 5 ले लिया और 2 ले लिया, अब इसी को अगर हम अलग अलग तरीके से घटाएं अदल बदल कर घटाएं तो देखिए क्या होता है 5 माइनस 2, तो यहाँ पर है प्लस प्लस छुपा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 2 गया कितना होता है तो 3 होता है, और यहाँ पर 5 बड़ा है और उसके आगे प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस 3 ही हो गया, ठीक है। अब अगर हम 2 माइनस 5 करें, देखिए नंबर सेम है लेकिन हमने चेंज कर दिया तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर भी हमें 5 से ही 2 घटाना है तो क्या हो जाएगा 3, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया नंबर 5 बड़ा है और उसके आगे साइन है माइनस का इसलिए यहाँ पर माइनस 3 हो गया, तो यानी ये दोनों क्या हो गया इक्वल हुआ, 3 क्या इक्वल है माइनस 3 के,
नहीं बिल्कुल नहीं, 3 माइनस 3 के इक्वल तो है नहीं। तो इसी तरह 5 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस 5। ओके, तो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। ओके, मैंने इंटीजर्स के बारे में पहले भी पढ़ाया हुआ है, आप उसे चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है। ओके, फिर तो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर भी ज़रूर करिएगा। ओके, फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।